हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्टडी। देखिए, आज हम एसएससी एमटीएस 2017 में जो पेपर हुआ था 16 सितंबर 2017 थर्ड शिफ्ट में, जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चंस पूछा गया था, उन सब को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। आप करेंट अफेयर्स को भी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? ऑप्शन ए, शिक्षित बेरोजगारी। तो देखिए, अब आपके माइंड में जरूर क्लिक कर रहा होगा कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है। तो दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी उस बेरोजगार व्यक्ति को कहा जाता है जिसे अपनी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है, उसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। और ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर देखे जाते हैं। इनके अलावा मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में। अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और ये तृतीय क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर में कृषि से संबंधित जितना भी चीज़ें होंगी वो सब आपका प्राइमरी सेक्टर में होगा। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, उत्खनन, ये सब कहाँ आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद बात करें द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में, आपका उद्योग से संबंधित जितना भी चीज़ें होंगे ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। उदाहरण के लिए उद्योग, उत्पादन, निर्माण, ऊर्जा, ये सब आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद बात करें तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में आपका हो जाएगा सेवा से संबंधित जितना भी होगा यानी कि सेवा देने वाले जितने भी चीज़ें होंगी ये आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। उदाहरण के लिए बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, परिवहन सेवा, व्यापार सेवा, चिकित्सा सेवा यानी कि मेडिकल, ये सब कहाँ आएगा? तृतीय क्षेत्र में। और डेयरी आपका कहाँ आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? दोस्तों, सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये पिछले वर्षों 2017 में पूछा गया है ये सारे के सारे प्रश्न, इसलिए आपको बहुत अच्छी से देखना है। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? सरपंच को, ऑप्शन बी। तो देखिए, सरपंच को पंचायत का मुखिया कहा जाता है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए कि सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी प्रश्न पूछा गया है, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कई शिफ्टों में पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में 2017 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी दोस्तों सही जवाब होगा। तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब एक प्रश्न यहां से और बनेगा कि ये प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखिएगा, कितने थे? 7 सदस्य। और एक प्रश्न और बनेगा कि प्रारूप समिति के रिपोर्ट पर संविधान सभा में कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 114 दिन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? बम्बई, ऑप्शन डी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरसा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। तो देखिए, अरसा मेजर या फिर बिग बियर ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, और नक्षत्र मंडल तारों का समूह होता है। और वर्तमान में नक्षत्र मंडल कितने हैं? इनकी संख्या है 89, नवासी। ओके, नक्षत्र मंडल 89 हैं अभी वर्तमान में। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? ऑप्शन ए, घूर्णन। तो देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात की घटना होती है, और परिक्रमण के कारण
ऋतु चेंज होता है, ओके। और पृथ्वी का घूर्णन काल कितना दिन कितने समय का होता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। और परिभ्रमण का काल कितना होता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 43 सेकेंड। तो आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर दिन रात जो होता है ये घूर्णन के कारण होता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है, ऑप्शन डी तना। तो देखिए पौधा तना के माध्यम से जल का संवहन करता है। अब एक प्रश्न ये बनेगा कि तना का कठोर भाग को क्या कहते हैं, यानी कि तना का कठोर भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा जाइलम कहते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के पौधों में तना कमज़ोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, ऑप्शन ए आरोही। आरोही प्रकार के पौधे में तना कमज़ोर होता है और ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ यानी कि बहुत मजबूत एवं गहरे भूरे होते हैं, ऑप्शन ए वृक्ष यानी कि ट्री। तो देखिए वृक्ष आपको पता है कि ये लंबा होता है और इसका तना मजबूत होता है, इसका जीवन काल जो है बहुत होता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, ऑप्शन डी 4 गुनी। तो देखिए गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होता है और यदि संवेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा, ऑप्शन ए परिणाम शून्य होगा। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करेगी तो क्या होगा, परिणाम शून्य होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 800, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑप्शन ए अंतः स्पंदन। भूमि में जल की रिसाव की प्रक्रिया को अंतः स्पंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ सितंबर 2014 में किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था, यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया था 2017 के पेपरों में, रिपीट हुए थे काफ़ी बार, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट, ऑप्शन डी। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया है और ये एनिको फर्मी जो है ये परमाणु भट्टी का आविष्कार किया है और भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी बजाने के लिए हरि प्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं। इनके अलावा जाकिर हुसैन का नाम आप जानते होंगे, जाकिर हुसैन तबला वादक रहे हैं और रविशंकर ये सितार वादक और बिस्मिल्ला खान ये शहनाई वादक हैं और बांसुरी बजाने के लिए हरि प्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, एडम गिलक्रिस्ट। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक एडम गिलक्रिस्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। इस प्रश्न में बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि पाक देख करके, ये पाक देख करके पाकिस्तान आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का जवाब है। ध्यान रखिएगा, ये पाक देखकर आप मत कर दीजिएगा पाकिस्तान, पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है,
बैरोमीटर के आविष्कारक हैं ई टोरिसेली। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरोमीटर का आविष्कारक ई टोरिसेली है। दोस्तों अब एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।